हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो एज वेल एज अ न्यू लॉन्च। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस द ऑर्डिनरी का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर एंड बीटा ग्लूकन वाला मॉइस्चराइजर। दैट्स हाउ दिस आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। दिस पे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन है एंड ये है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग। डील फॉर 1350 रुपीज़ फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। क्वान्टिटी ज़्यादा है तो प्राइस ठीक है। नाउ दिस वन हैज़ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स जो आपके बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे एंड बीटा ग्लूकन जो कि आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपका सेंसिटिव स्किन है उसको सूद डाउन करने में हेल्प करता है। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप आपको मिलता है वाटर एंड देन इसमें प्रोपेंडियोल है, बीटेन है एंड देन वी हैव दिस बीटा ग्लूकन और उसके बाद आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, लाइक जितने भी ये हमारे अमाइनो एसिड्स का चेन है वो इसमें डाला हुआ है। बिकॉज ऑफ कोर्स जो NMF होता है दैट्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड जो आपके बैरियर का जो हमारा लेयर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्लांट शुगर्स जो आपके हेल्दी माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। वी हैव ट्रहलोज जो कि एक मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट है। देन वी हैव सोडियम PCA एंड PCA जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। वी ऑल्सो हैव यूरिया विच इज़ अ ग्रेट हाइड्रेटर। देन वी हैव एलेंटोइन बहुत ज़्यादा सूदिंग, सोडियम हेलोनेट, ह्यूमेक्टेंट। देन वी हैव फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स अगेन बैरियर के लिए अच्छे हैं, ग्लिसरीन है, ग्लाइकोल्स है, अगेन ह्यूमेक्टेंट्स है, हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, वाइटामिन ई है एंड देन लास्ट में फिनॉक्सीथेनोल प्रजर्वेटिव टेक्स्चर एनहांसर्स आर देयर। फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है विच इज़ ग्रेट। टेक्स्चर की बात करूं तो इट हैज़ अ जेल लाइक टेक्स्चर, प्योर जेल लाइक टेक्स्चर, इज नॉट अ जेल क्रीम टेक्स्चर जो काफ़ी इंस्टेंटली सिंकी हो जाता है, वॉटरी सा फील होता है एंड डजेंट फील हैवी एंड स्टिकी ऑन द फेस। दिस वन इज ग्रेट फॉर वेरी वेरी ऑयली स्किन एंड स्पेशली अगर आपका एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडॉन प्रोन स्किन है दिस वन इज ग्रेट फॉर यू। और ये मेरी स्किन पे परफेक्टली काम करी है। बट अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी ड्राई है, जैसे फॉर एग्जांपल माय स्किन इज नॉट एक्सट्रीमली ऑयली, माय स्किन इज एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडॉन प्रोन, तो अगर मैं इसको एज इट इज लगाती हूँ लाइक आफ्टर वॉशिंग माय फेस देन अगर मैं इसको लगाती हूँ तो इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर माय फेस। मुझे हल्का सा स्ट्रेच फील होता है फेस पे। बट जब जब मैंने इसको अपना जैसे टोनर का एक लेयर लगा है, सिरम का एक लेयर लगा है देन लगाते हैं देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। और उसके ऊपर से मैं सनस्क्रीन लगाती थी तो मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती थी। रात के टाइम पे भी पहले टोनर लगता था, सिरम लगता था देन मैं इसको लगाती थी देन दिस वन वॉज सफिशियंट। बट अभी कुछ दिनों से जैसे बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स हो गई हैं तब मैंने स्लीपिंग मास्क ऐड किया था इसके साथ देन दिस वन वॉज परफेक्ट। बट अगर आपका हल्का सा भी थोड़ा बहुत ड्राइनेस है या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो ये ध्यान रखना कि वैसे तो इट्स परफेक्ट मॉइस्चराइजर, आपके बैरियर के लिए भी अच्छा है। जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे कम इरिटेशन हुई है, कम एक्नेज हुए हैं। बट अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी ड्राई है और आप सोचो कि हाँ ये अकेला सफिशेंट होगा तो नो। बट अगर आपका एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है देन इट्स गोना बी ग्रेट फॉर यू एंड समर्स के लिए तो आई थिंक इट्स गोना बी बेस्ट। बट अगर आप अपने क्लोज कॉमेडॉन प्रोन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो यू कैन गो फॉर दिस वन और द फॉर्मूला RX का हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर। वो जेल ही है बट वो हल्का सा उसके अंदर क्रीम का भी वो है तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेची फील नहीं देती है, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको बैलेंस कर देती है। बट मैंने उसको हार्श विंटर्स में टेस्ट नहीं किया है कि वो कैसा निकलेगा। बट हाँ ये या फिर वो, उन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। अगर आप क्लोज कॉमेडॉन प्रोन हो और कोई और मॉइस्चराइजर सूट नहीं कर रहा है देन दिस वन गोना बी ग्रेट फॉर यू। चलेगा कितना, सो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ। इसको अभी 1 month से ऊपर हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए। मैंने इसको मॉर्निंग एंड नाइट यूज़ किया है और पी साइज अमाउंट से मैं ज़्यादा ही क्वान्टिटी इसकी लगाती थी तो अब लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये कितना आपका चलेगा। अगर आप इसको सिर्फ मॉर्निंग में लगाओगे या आप पी साइज अमाउंट लगाओगे तो ये लंबा चल जाएगा। बट मैं ज़्यादा क्वांटिटी लगाती थी बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे ख़त्म भी करना है और मुझे और भी प्रोडक्ट टेस्ट आउट करने हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर फॉर एक्सट्रीमली ऑयली एंड ऑयली स्किन। और अगर आपका स्किन क्लोज कॉमेडॉन प्रोन है और बैरियर वीक है देन इट्स गोना बी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। That is it guys, that's all about my personal experience on this beta glucan wala moisturizer. I hope you found this video a little bit helpful. Thodi si bhi help hui hai, thumbs up de dena, channel ko subscribe kar lena aur mujhe Instagram pe follow kar lena. Milti hu aapko main apni agli video mein, tab tak apna dhyan rakhiyega. Bye bye.